हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए अपडेट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 23 वैकेंसियां निकाली गई हैं वेयर हाउस मैनेजर की पोस्ट के लिए, और इन सभी 23 वेयर हाउस मैनेजर की पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसका एडवर्टीजमेंट नंबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ सबसे पहले इन सभी 23 वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कुल कितनी वैकेंसियां वेयर हाउस मैनेजर के लिए रखी गई हैं। अब बात करें यहाँ पे कैंडिडेट के पे स्केल के बारे में, तो इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट का जो बेसिक पे होगा आफ्टर सिलेक्शन वो 35,400 रुपए होगा। यहाँ जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उन सब का जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 3 साल का होगा, और इस 3 साल के प्रोबेशन पीरियड में कैंडिडेट को सिर्फ बेसिक पे ही दी जाएगी सैलरी के तौर पे, और प्रोबेशन पीरियड को पूरा करने के बाद कैंडिडेट को इस बेसिक पे के अलावा बाकी सारे अलाउंसेस भी एज पर रूल दिए जाएंगे। अब बात करें यहाँ पे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इन सभी 23 ग्रुप बी वेयर हाउस मैनेजर की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने MSc कर रखी हो एग्रीकल्चर में विद फर्स्ट डिवीजन, कैंडिडेट ने जो है वो पंजाबी मैट्रिक स्टैंडर्ड तक या उसके इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड तक जो है वो पढ़ रखी हो। तो जो भी कैंडिडेट ये क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करते होंगे वो इन सभी 23 वेयर हाउस मैनेजर की वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन को चेक करने के लिए जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 30/5/2022 रखी गई है। अब बात करें इन सभी 23 वैकेंसियों पे आपकी एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 37 साल रखी गई है, और मिनिमम और मैक्सिमम एज को चेक करने के लिए जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 1/1/2022 रखी गई है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ कैटेगरियां बताई हैं जिनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिसमें कि वो सभी कैंडिडेट जो पंजाब गवर्नमेंट उसकी बोर्ड कॉर्पोरेशन कमीशन या अथॉरिटीज के एम्प्लॉय हैं, या फिर कैंडिडेट किसी अदर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो उनकी अपर एज लिमिट जो है वो 45 साल रखी गई है। SC/BC कैटेगरी के कैंडिडेट की अपर एज लिमिट 42 साल रखी जाएगी। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट का सर्विस पीरियड बढ़ाने के बाद उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। विडो, डिवोर्सी और सर्टन अदर कैटेगरीज ऑफ वुमेन, इन सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि जो इस कैटेगरी की अपर एज लिमिट है वो 42 साल है। और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट जो पंजाब से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 47 साल रखी गई है। अब बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो वेयर हाउस मैनेजर की पोस्ट पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे होगा। आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा ये कुल 480 नंबर का होगा। इस पेपर में कैंडिडेट से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का होगा। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, हर गलत जवाब के लिए कैंडिडेट का 1 नंबर काट दिया जाएगा। इस पेपर में 2 अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं, पहले सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिगार्डिंग कंसर्न सब्जेक्ट, इस सेक्शन में कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 400 नंबर का ये सेक्शन है। दूसरे सेक्शन में जो है कैंडिडेट से रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस सेक्शन में कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 नंबर का ये सेक्शन है। तो इस तरीके से इस पेपर में कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन होंगे और 480 नंबर का आपका ये पेपर होगा। इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पेपर जो आपका होगा ये इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। इस पेपर को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को कुल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये पेपर जो आपका होगा ये ऑफलाइन मोड पे होगा, यानी कि कैंडिडेट को OMR शीट पे ये पेपर देना होगा। इन सभी 23 वैकेंसियों पे जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो इसी रिटर्न टेस्ट के नंबर की मेरिट के बेसिस पे होगा। यहाँ कोई भी इंटरव्यू या सेकंड स्टेज का एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इन सभी 23 वैकेंसियों पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही यानी कि 13/5/2022 से शुरू हो चुके हैं, और आप 30/5/2022 तक इन सभी 23 वैकेंसियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ बैंक चलान के थ्रू फीस पेमेंट करने के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 9/6/2022 रखी गई है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता रखी है, कैंडिडेट को ये सारे ही डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके डिपार्टमेंट को सबमिट कराने होंगे जब भी डिपार्टमेंट द्वारा ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तब। अब बात करें यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट सभी स्टेट से और BC कैटेगरी के कैंडिडेट जो पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 750 रुपए रखी गई है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट जो पंजाब से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 500 रुपए रखी गई है। EWS, PWD और लीनियन डिसेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट जो पंजाब से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 500 रुपए रखी गई है। और बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट जैसे कि जनरल, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ पंजाब, वॉर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर पंजाब, इन सब के लिए जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपए रखी गई है। और यहाँ दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इन्होंने आपके एग्जाम के सिलेबस की डिटेल भी बता रखी है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट का ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा।
तो दोस्तों अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।